So my brothers, are you ready for war? The each and single one of you is ready for war or not? क्योंकि भाई साहब ये तैयार हो चुके हैं. ब्लैक्स जो अभी तक कमजोर देखने को मिल रहे थे, रनीर या टारगेरियन, बाबा ये फुल तैयार हो चुकी है क्योंकि इसको दो ड्रैगन अपने मिल चुके हैं, वर्मिथोर और सिल्वरविंग. थे तो इनके पास ही पर इनके राइडर्स नहीं थे और राइडर्स इनको मिल चुके हैं बाबा. टारगेरियन ब्लड यानी टारगेरियन बास्टर्ड जो ह्यू हैमर जो हमें भाई पहले भी प्रॉमिस करा जा रहा था, लेकिन बहुत लोग इसे फेक फेक बोल रहे थे कि भाई नहीं नहीं वर्मिथोर को क्या कहते हैं रनेरिया टारगेरियन ही क्लेम करने वाली है. फिलहाल इन दिस मोमेंट भाई साहब सिर्फ वर्मिथोर को ह्यू हैमर ही क्लेम करके गया है. देन उसके बाद वो चूतिया का तो भरोसा भी नहीं था अल्फ, जिसे सीजन टू के एपिसोड थर्ड में भी उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन आया था एंड भाई उसने सिल्वर विंग को कैप्चर कर लिया, क्लेम कर लिया है. तो अगर बहुतों को पता नहीं होगा कि भाई साहब वो कौन सा ड्रैगन है जिसे इस बेवकूफ ने क्लेम कर लिया, जबकि सिल्वर विंग के अंडे को ही उसने फोड़ दिया था. बट भाई सिल्वर विंग काफ़ी फ्रेंडली ड्रैगन है, दैट्स वाई कि उसने अल्फ को चुन लिया. पता नहीं क्यों अलग हिसाब का वो ड्रैगन है. खैर भाई पंगा तो होने वाला है, खून का नंगा नाच होने वाला है. अब ग्रीन्स जो है भाई थोड़े से कमजोर दिखने में नजर आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि भाई ग्रीन्स के पास कोई इतने ज़्यादा ड्रैगन नहीं है. ड्रैगन है उनके पास, अच्छे खासे ड्रैगन है, वॉरियर ड्रैगन है, एक्सपीरियंस ड्रैगन है, बट उनके जो राइडर्स हैं राइडर सारे यंग हैं भाई साहब. क्योंकि वेगार के पास एमन टारगेरियन है जो यंग है, लेकिन यस वो उसके पास वॉरियर एटीट्यूड है, अलग हिसाब का कुछ एटीट्यूड है. दैट्स वाई कि वेगार भाई वो डरता नहीं है और वो फाड़ के रख रहा है सबकी. जबकि ब्लैक्स में भाई अभी तक फुल खौफ था वेगार का, लेकिन रनेरिया टारगेरियन का वो एटीट्यूड लुक, वो सपोर्टिंग लुक देखने को मिला भाई कि यस अब आ जा तू सामने, है ना. सिल्वर विंग को भाई किंग्स लैंडिंग के ऊपर दौड़ा दिया और वेगार को ये टीच करा, भाई एमंड को टीच किया. एमंड के दिल पे क्या बीत रही होगी यार कि वेगार का जो अच्छा खासा खौफ चल रहा था भाई, सिल्वर विंग के साथ कोई भी टुच्चा बास्टर्ड आके मतलब किंग्स लैंडिंग पे धाक जमा के जा रहा है मेरे वेगार के सामने आके, वो बहुत खतरनाक लुक था भाई. और जैसे जैसे सीजन खत्म होते जा रहा है भाई दुख तो है, लेकिन एक्साइटमेंट है उस किसके लिए भाई, वॉर के लिए, ड्रैगन वॉर के लिए, डांस ऑफ द ड्रैगन्स के लिए, जिसके लिए वेट कर रहे थे बाबा लगभग एक डेढ़ साल से वेट कर रहे थे कि यार देखने को मिले कि डांस ऑफ द ड्रैगन्स. क्योंकि भाई ड्रैगन वॉर चाहते हैं, जिसका एक छोटा सा लुक भाई एपिसोड 4 में बड़ा ही प्यारा था, वो मेलीज एंड वेगार का आमने सामने का वो मोमेंट, और बहुत वो गूज बम्स वाला मोमेंट था भाई. अब यहाँ पर भाई बहुत इमोशंस चेंज होने वाले हैं, है ना, बहुत इमोशंस चेंज होने वाले हैं लोगों की तरफ से, उनके फैंस की तरफ से. अभी जो पूरा चल रहा था ना वन साइडेड, जो ब्लैक्स के लिए बहुत लोगों की सिंपथी निकल रही होगी, इवन मेरी भी निकल ही रही है, अभी भी निकल रही है क्वीन रनीरिया टारगेरियन को, भाई साहब मैं तो इसे ही सपोर्ट कर रहा हूँ. लेकिन भाई वॉर में ये सब सिनेरियो चेंजेस होने वाले हैं. सिंपथी जिसके लिए अभी दिखाई जा रही थी, शायद उसके लिए वो उसके लिए हेट दिखाई जाने लग जाए लास्ट में, क्योंकि वो कब क्रूअल बन जाएगा कुछ नहीं पता चलेगा. एमन टारगेरियन जिसके लिए भाई साहब क्रूएलिटी वाला फेस दिखाया जा रहा है, हेट दिखाई जा रही है भाई, वो हो सकता है सिंपथी गेन कर जाए. वो इसलिए क्योंकि भाई वर्मिथोर और सिल्वर विंग ये दोनों तो उसके पास आ चुके हैं अपने ब्लैक्स के पास, और रेनेरिया खुद अपने साइरेक्स के साथ वॉर में पार्टिसिपेट करने वाली हैं. दूसरी तरफ अगर ग्रीन्स की बात करें तो ग्रीन्स के बाद वेगार है, देन उसके बाद ड्रीम फायर है एंड टसेरियन ड्रैगन है. और तीनों ही ड्रैगन भाई बहुत वेल एक्सपीरियंस है, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन तीनों ने, लेकिन उनके जो राइडर हैं तीनों यंग राइडर हैं भाई. ये तो खैर है, एलिसेंट हाईटावर के बच्चे हैं तो बहादुर यार. हेलेना टारगेरियन की बात करें तो वो अपना ड्रीम फायर को लेके आने वाली है, एंड दूसरी तरफ टसेरियन ड्रैगन की बात करें यानी डेरिन टारगेरियन जो चौथी औलाद है एलिसेंट हाईटावर की, और एमेंड जो सेकेंड औलाद है, और फर्स्ट जो एगॉन टारगेरियन है भाई साहब वो तो बैड में है ही है. तो ये तीनों हैं तो दमदार भाई, वॉर में पार्टिसिपेट होने वाले हैं. लेकिन हाँ दूसरी तरफ रेनीरा टारगेरियन शायद अपने बच्चों को वॉर में नहीं उतारेगी, क्योंकि वर्मैक्स छोटा है, जैकेरिस भी छोटा तो है ही. देन उसके बाद अगर बेला टारगेरियन की बात करें तो उसके पास मून डांसर ड्रैगन है जो काफ़ी यंग है, दोनों ही यंग हैं, तो हो सकता है कि भाई वर्मैक्स तो नहीं लग रहा कि आने वाला है वॉर में. हाँ मून डांसर का एक बार के लिए शायद हो सकता है कि ये पार्टिसिपेट कर जाए. फिलहाल बराबरी का मुकाबला हो चुका है भाई, कौन कौन तैयार है इसके लिए, क्योंकि खून का नंगा नाच तो देखने को मिलने वाला है. फिनाले बस 6 दिन बचे हैं और संडे को ये सीरीज भी ख़त्म हो जाएगी, हमें वॉर देखने को मिलने वाली है भाई. ये वॉर बहुत बहुत कुछ लेके जाने वाली है, सिर्फ टारगेरियंस को ही ख़त्म नहीं करके जाएगी, बहुत लोगों के इमोशंस चेंजेस होने वाले हैं यहाँ पर कि यार ऐसा नहीं करना था.
क्योंकि रनेरिया टारगेरियन भाई अब पावर आ चुकी है और पावर की नशे में कोई भी कोल्ड हार्ट या फिर सॉफ्ट हार्ट बंदा कब रूड हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। और एमंड का तो पहले ही खौफ है, एमंड से तो पहले ही वो गुस्सा है, एंड वो एलिसेंट हाइटावर के बच्चों से जो देखने को मिला लास्ट में, भाई साहब पीठ पीछे वर्मिथोर था, देन सिल्वर विंग था, और वो एटीट्यूड अलग ही था रेनेरिया टारगेरियन का। वेट है भाई, एपिसोड 7 बहुत कुछ देखे गया है। सेमीफाइनल जैसे हिसाब से होना चाहिए ना, ग्रैंड फिनाले से पहले एक सेमीफाइनल होता है भाई, और सेमीफाइनल को सेमीफाइनल की तरह ही होना चाहिए, दमदार जो एकदम होश उड़ा के जाए, वो वाला मोमेंट ये एपिसोड करके गया है सीजन। तो भाई साहब एक क्विक इंट्रोडक्शन उनके लिए जिन्हें पता नहीं होगा कि भाई साहब ये एडम कौन है एंड ह्यू हैमर कौन है, देन उसके बाद ये अल्फ ये चूतिया कौन है जो ड्रैगन को क्लेम कर गया। तो भाई ये बास्टर्ड्स है, और एडम ऑफ हेल की बात करें जो 6 एपिसोड में जिसने सी स्मोक को क्लेम किया था उसके अंदर वलेरियन खून दौड़ रहा है, दैट्स वाई कि सी स्मोक ने उसे चुन लिया। एंड जो ह्यू हैमर है भाई साहब उसके अंदर टारगेरियन ब्लड दौड़ रहा है, जो डेमन और विसेरिस का हाफ ब्रदर है, बास्टर्ड सन है किसका, प्रिंस बैलन टारगेरियन का, अगर जो मोटा मोटा मुझे पता है। देन उसके बाद अल्फ जो खुद क्लेम कर रहा था कि मैं प्रिंस डेमन का एंड विसेरिस का हाफ ब्रदर हूँ, मतलब बास्टर्ड सन है, वो भी प्रिंस बैलन टारगेरियन का। ब्लैक्स को ज्वाइन कर चुके हैं, रनेरिया टारगेरियन को ज्वाइन कर चुके हैं, दैट्स वाई कि ड्रैगन्स ने इनको चुना, क्योंकि इनके अंदर टारगेरियन खून कहीं ना कहीं दौड़ रहा है, हाफ ही सही लेकिन दौड़ रहा है। तो भाई साहब एक तरफ है द आर्मी ऑफ बास्टर्ड्स एंड एक तरफ है प्योर ब्लड के टारगेरियन जो ड्रैगन लॉर्ड्स हैं। देखते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लास्ट में क्या होता है भाई। बहुत से लोग जो अभी भी ये बिलीव बना के चल रहे होंगे कि भाई साहब वेगार को शायद वर्मिथोर मार डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं है बाबा, स्पॉइलर है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन हाँ, अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना कि भाई साहब वेगार को कौन मारने वाला है और कहाँ मारने वाला है, वो कौन सी लड़ाई होने वाली है। और एक और चीज़, एक और क्वेश्चन पुटअप करके जाते हैं कि भाई साहब अगले जो फर्स्ट बैटल है वो कौन सी होने वाली है, क्या बैटल ऑफ टुम्बलटन होने वाली है या बैटल ऑफ गल्ट होने वाली है, जरूर बता के जाना। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे भाई साहब, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ तक पहुँच गए तो उसको मतलब वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और खुश हैं भाई कि ड्रैगन सब आ चुके हैं और ड्रैगन वॉर होने वाली है। लेकिन दुख भी है कि यार ये सीजन अब ख़त्म हो जाएगा, 6 दिन के बाद ख़त्म, और फिर हमें 1.5 साल के लिए या 2 साल के लिए कितना भी लंबा रुकना पड़ सकता है कि आगे क्या होने वाला है आखिर। तो भाई कौन कितना एक्साइटेड है वॉर के लिए नीचे कमेंट उसको जरूर बता के जाना, और आप किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई साहब, अब तो तय करना पड़ेगा कि कौन किसके साइड है। भाई मैं ग्रीन्स के साइड नहीं हूँ, मैं ब्लैक्स के साइड हूँ, क्वीन रनेरिया के साथ हूँ, बाकी देखते हैं आगे जाके कौन मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। मिलते अगली वीडियो पर, जय हिंद।